हाय, मैं हूँ तुषाबा और आप देख रहे हैं फंडू कंटेंट। बॉलीवुड में ये साल रहा आयुष्मान खुराना का। जैसे कि हम सब जानते ही हैं, आयुष्मान खुराना की इस साल हुई दो मूवी रिलीज, जो दोनों ही थी बॉलीवुड में ब्लॉकबस्टर हिट। एक थी सबसे पहले जो आई अंधाधुन, और फिर अंधाधुन के बाद रिलीज हुई बधाई हो। दोनों ही आयुष्मान खुराना की पिक्चर को बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिला ऑडियंस से, और ये दोनों ही मूवी आयुष्मान खुराना की करियर लाइफ में एक हाईएस्ट पीक पॉइंट ले आई है। आयुष्मान खुराना की ये दोनों ही मूवी ना ही कमर्शियली अच्छा करी है, पर साथ ही साथ क्रिटिकली भी इन दोनों मूवी को रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया मिला है। आयुष्मान खुराना की ये दोनों ही मूवी अंधाधुन और बधाई हो के बाद ना ही बॉलीवुड में इनका हाइप क्रिएट हुआ है, पर साथ ही साथ सोशल मीडिया यानी कि इनके फैंस और इनकी ऑडियंस इन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगी है। आयुष्मान खुराना की ये दोनों ही पिक्चर इस साल की बड़ी से बड़ी पिक्चर को मात दे गई है, और शायद इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये साल 2018 कहा जाता है आयुष्मान खुराना का साल। पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आयुष्मान खुराना की करियर लाइफ में तो सब कुछ बहुत ही बढ़िया है, पर उनकी पर्सनल लाइफ में ऐसा नहीं है। आयुष्मान खुराना अपनी पर्सनल लाइफ में काफी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप को स्टेज 1 कैंसर है। ताहिरा कश्यप ने सबसे पहले ये बात बताई इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालते हुए कि उन्हें स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, और ये बात सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा उदास और बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। पर ये सारी चीजों के बावजूद आयुष्मान खुराना अपनी पत्नी के साथ बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से डट के खड़े रहे। आयुष्मान खुराना की दो बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट मूवी रिलीज तो हुई है ये साल, पर आयुष्मान खुराना ने ये दो मूवी रिलीज के दौरान अपनी बीवी ताहिरा कश्यप का साथ नहीं छोड़ा। एक इंटरव्यू में जब आयुष्मान खुराना को ये पूछा गया कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कैसे हैंडल कर रहे हैं, जब आपकी पर्सनल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है और साथ ही साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इतना सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इस पर आयुष्मान खुराना ने कहा, थोड़ी बहुत मुश्किल तो होती ही है, पर मैं अपनी मूवी का प्रमोशन कर देता हूँ सुबह में, और शाम में अपनी बीवी के साथ रहता हूँ, और ताहिरा कश्यप को कभी अकेला महसूस होने नहीं देता। सभी की जिंदगी में कोई ना कोई तकलीफें आती ही हैं, और ये हमारी जिंदगी में एक छोटी सी तकलीफ है, और मैं उम्मीद करता हूँ हम इस तकलीफ से बहुत ही अच्छी तरह से गुजर जाएंगे। आगे आयुष्मान खुराना ने हमें ये भी बताया कि वो अपनी पत्नी ताहिरा कश्यप से बहुत ही ज्यादा प्राउड है, और वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंस्पिरेशनल वुमेन है। आयुष्मान खुराना की ये बातें सुनकर हमें ये तो पता चलता है आयुष्मान खुराना एक बहुत ही ज्यादा अच्छे पति है, और अपनी पत्नी ताहिरा कश्यप से बहुत ही ज्यादा प्यार भी करते हैं। पर इन दोनों के प्यार का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता है। हालांकि करवा चौथ पर भी आयुष्मान खुराना ने अपनी बीवी ताहिरा कश्यप के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, अपनी बीवी ताहिरा कश्यप की लंबी उम्र मांगने के लिए। और आयुष्मान खुराना ने ये भी बताया कि इस साल मेरी बीवी ताहिरा कश्यप ये व्रत नहीं रख सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बीवी की लंबी उम्र के लिए व्रत नहीं रखूंगा, और इस वक्त उन्हें ज्यादा जरूरत है। आयुष्मान खुराना ना ही अपने करियर लाइफ में इतने टैलेंटेड और इतने अच्छे हैं, पर साथ ही साथ अपनी बीवी को लेके बहुत ही ज्यादा सिंसियर और बहुत ही ज्यादा केयरिंग भी है। और तो और, ताहिरा कश्यप के इस मुश्किल दौर के वक्त ना ही आयुष्मान खुराना उनके साथ है, पर साथ ही साथ आयुष्मान खुराना का पूरा परिवार ताहिरा कश्यप के साथ बहुत ही अच्छे से डट के खड़ा है। आगे आयुष्मान खुराना ने ये भी बताया कि उनकी बीवी ताहिरा कश्यप ने उन्हें दो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बच्चे दिए हैं, एक बेटा जिसका नाम है विराजवीर, और दूसरी है उनकी बेटी वरुष्का। ताहिरा कश्यप के इस मुश्किल वक्त के दौरान ना ही उनका परिवार उनके साथ है, पर साथ ही साथ ताहिरा कश्यप और आयुष्मान खुराना के फैंस उन्हें बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और तो और, ताहिरा कश्यप अपने सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहती है, और वहीं पर उनके फैंस उन्हें बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं उन्हें वेल विशेस देते हुए। और तो और, इतना ही नहीं, आयुष्मान खुराना का प्यार अपनी बीवी ताहिरा कश्यप के लिए यहीं पर खत्म नहीं होता है। ना ही आयुष्मान खुराना ने अपनी बीवी ताहिरा कश्यप के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, पर साथ ही साथ ताहिरा कश्यप के लिए उन्होंने अपने हाथ में मेहंदी भी लगाई थी, जहां पर आयुष्मान खुराना ने अपने हाथ पर अपनी बीवी ताहिरा कश्यप के नाम का पहला अक्षर लिखा था। और ये देखकर बाकी के बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज और साथ ही साथ आयुष्मान खुराना के फैंस आयुष्मान से बहुत ही ज्यादा प्रशंसा हो गए थे। इसी के साथ हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि जैसे कि आयुष्मान खुराना ने कहा था कि ये परेशानी उन लोगों की जिंदगी की एक छोटी सी तकलीफ है, और इसे वो जल्दी से उभर आएंगे। बॉलीवुड की ऐसी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए फंडू कंटेंट को, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए।